जब भी किसी माशरे के अंदर जुल्म, नाइंसाफ़ी और ताकत का गलत इस्तेमाल अपनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो उस माशरे में लाजमन बलाजमन बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हुआ करती हैं। यूरोप में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये बात है उस दौर की कि जब पापाइत अपने उरूज पर थी। ये बात है 14वीं सदी के अख्ताम की और 15वीं सदी की शुरुआत की। इस दौर में पादरी यूरोपीय शहनशाहों से ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे। पादरी जिसे चाहते ऊपर ले आते, जिसे चाहते जिंदा जला दिया करते थे। इस दौर के मुतल्लिक एक वाक़या बहुत मशहूर है कि पादरी अपने से ज़हीन जिस भी खातून को पाते उसको ज़िंदा जला दिया करते थे, ये कहकर के सूरत के शैतान से मरासिम थे। ये सिलसिला सदियों से चला आता जा रहा था और कोई पूछने वाला तक नहीं था। जहाँ पादरी इस कदर ताकतवर थे, इसके साथ साथ उनको बहरहाल एक खदशा लाहक था। वो तमाम जंगें थीं कि जो मुसलमानों ने सलेबियों को हराई थी। मारका हितीन, जिसके अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलेबियों को दिन में तारे दिखाए और दर्दनाक शिकस्त दी और बैतुल मक़दस को बाजियाब कर लिया। उसके बाद ममलूक सल्तनत के हाथों दर्दनाक शिकस्त खाकर सलेबी इस कदर कमज़ोर हो गए थे कि उनके लोग खुद उनसे मुतरफर होते जा रहे थे। उन पर उनका भरोसा कम होता जा रहा था। वो सोचते थे कि अगर खुदा वाकई हमारे साथ है तो हमारा साथ क्यों नहीं देता। हम क्यों मुसलमानों से दिन ब दिन जंगे हारते जा रहे हैं, शिकस्त खाते जा रहे हैं, हमसे बैतुल मक़दस दोबारा से छीन लिया गया। ऐसे दौर में अक्सर ऐसा ही हुआ करता है कि ज़ालिमों में से एक शख्स उठता है और जुल्म का किला कमा कर दिया करता है। ऐसा ही हुआ। एक शख्स उठा जिसका ताल्लुक मजहबी तबके से ही था। वो उठा और पॉप के मजालिम के खिलाफ डट गया। उसने पॉप की शदीद मुखालफत की। वाकया कुछ यूं था कि उस दौर में दरियों ने जन्नत के टिकट बेचना शुरू कर दिए थे। लोग खुशी खुशी वो टिकट खरीदा करते थे। वो भी सोचते थे कि एक टिकट खरीदने के बहाने हमें जन्नत मिल जाएगी, इससे बेहतर क्या हो सकता है। दिन ब दिन पादरियों के चर्च मोहल्लात की सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। इस दौरान एक शख्स उठा। वो कौन था दोस्तों? उसका नाम था मार्टिन लूथर। वो एक मॉन्क था। उसके वालदेन तो उसको वकालत की तालीम दिलवाना चाहते थे, मगर मजहब से उसकी मोहब्बत ने उसको मॉन्क बना दिया। एक मॉन्क होने के बावजूद उसने पॉप की भरपूर मुखालफत की। वो पॉप की मुखालफत क्या करता था कि जन्नत के टिकट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है ईसाइत में, ये कहाँ से आ गया। इसके ऊपर पॉप ने उसकी शदीद मुखालफत की और उसको मना भी किया। उसने उसको समझाया कि तुम हम ही में से एक हो, मान जाओ, अपना मौकिफ बदल लो, हमारे हमारा बन जाओ। लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया, जिसके ऊपर पॉप ने उसको 120 दिन का वक्त दिया। होना क्या था? उसने इनकार कर दिया, जिसके ऊपर पॉप ने उस दौर के शहनशाह से उसके खिलाफ क्रैक डाउन का मुतालबा कर दिया। ऐसा ही हुआ। उसकी किताबों पर पाबंदी आयद कर दी गई, जैसे उससे पहले फलसफियों की किताबों पर पाबंदी आयद थी। इसी दौरान उसने प्रोटेस्टेंट नामी तहरीक का आगाज़ किया कि जिसने यूरोप के अंदर ईसाइत की असल रूह को बेदार करने की कोशिश की। लूथर की मौत हुई तो उसकी तहरीक उसके साथ फौत नहीं हुई। अलबत्ता उसकी तहरीक तो पूरे यूरोप में फैलती चली गई और इस सिलसिला जारी रहा, जारी रहा, जारी रहा और बात 19वीं सदी तक पहुंच आई। फिर क्या हुआ? इसी दौरान लोग दीन से मुतनफ़र होते गए, मज़हब से मुतनफ़र होते गए और मज़हब और रियासत को मुख्तलिफ समझना शुरू हो गए। इस दौर में सेकुलरिज्म की टर्म लोगों में आम होती चली गई। सेकुलरिज्म है क्या? ये टर्म वैसे तो एशियंट रूट रखती है, यानी ये कदीम तहजीबों में भी पाई जाती थी, लेकिन सेकुलरिज्म जो टर्म है वो पहली बार कॉइन करने वाला शख्स जॉर्ज होली एक था। सेकुलरिज्म है क्या? अगर आसान मानी में देखा जाए तो रियासत के तमाम तर बेश समाजी और सियासी मामलात से दीन को या मज़हब को अलग कर दे। मज़हब का सियासी और इज्तिमाई मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। मज़हब एक हर एक शख्स का अपना ज़ाती मामला है, वो मज़हब पर चले या ना चले, उसका रियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इंकलाब फ्रांस के बाद जब पादरियों की बची खुची ताकत भी मलिया मेट होकर रह गई और सेकुलरिज्म का जो नज़रिया था वो यूरोप में फैलता चला गया, इस दौर में पॉप को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। इस दौर में पॉप की बची खुची ताकत ख़त्म हो गई थी। उसकी बची खुची जो छोटी मोटी रियासतें थी उनसे छीन ली गई थी। इटली ने उन पर हमला किया और बचा खुचा जो इलाका था उस पर भी इटली की हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया। बहरहाल मुसोलिनी ने पॉप के साथ एक मुआहिदा किया जिस पर पॉप को 100 मील का रकबा बहरहाल दे दिया गया। अब पॉप 100 मील तक महदूद होकर रह गया है। वो पॉप की जो कभी पूरे यूरोप पर बादशाही किया करता था, उसकी ताकत बादशाहों से ज़्यादा हुआ करती थी, अब वो पॉप महज 100 मील के रकबे तक महदूद होकर रह गया है। सेकुलरिज्म की बुनियादी वजह ये प्रोटेस्टेंट तहरीक थी।
ऐसा नहीं है, इसकी बहुत सी और वजूहात भी हैं, लेकिन एक बुनियादी वजह ये भी है कि लोग क्यों ईसाइयत से मुतनफ़र हुए और रियासत से उसको अलहदा कर।